एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट अस स्टार्ट द टुडेज क्लास विद क्वेश्चन नंबर 1। वैसे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिल चुके हैं, तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा। ठीक है, ये कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एज 2:3। एक पैरेललोग्राम है, उसके टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर एज 2:3, देन फाइंड द मेजर ऑफ each of its angle। कि कोई एक पैरेललोग्राम है, उसमें एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो गिवन है और हमें ये पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा हमें कि उनके एडजेसेंट एंगल का रेशियो, एडजेसेंट एंगल मीन्स एंगल ए रेशियो एंगल बी। ए और बी आपस में एडजेसेंट है, बी और सी एडजेसेंट है, सी और डी है, ए और बी, कोई एक वन पेयर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 3x is equals to 180 degree adjacent angle property, क्योंकि sum of two adjacent angle is equals to 180 degree, then 5x is equals to 180, so x is equals to 180 is divided by 5, 5 3s are 15, 5 6s are 30, and x is equals to 36, so हमने क्या माना कि ए और बी को देखा, बट ए और सी भी तो आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि अपोजिट पेयर ऑफ अ पैरेललोग्राम है ना। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। ए को अगर मैं 2 मानता हूं एक बार के लिए, तो ये बना मेरा 2 मल्टीप्लाई विद एक्स, इट मीन 36, इट गिव्स 72 डिग्री। सेम एज एंगल बी इज अपोजिट टू एंगल डी, 3 × 36, it gives 108 degree each। नीचे कंडीशन डाली, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आपस में इक्वल होते हैं, तुमने इसकी वैल्यू फाइंड कर। ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पीडीएफ फॉर्मेट ऑलरेडी मिला हुआ है, तो नोट करने की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है अभी, है ना। तो मेनली फोकस आपका होना चाहिए कि आपकी क्लास में समझाया क्या है गया। ठीक है, क्योंकि नोट डाउन करने वाला पार्ट तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अवेलेबल है जिस चीज को, उसके लिए हम टाइम वेस्ट क्यों करें लिखने के लिए हम लोग। ठीक है, तो नो डाउट इसको समझने की कोशिश करने की हो क्या रहा है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर, तो फिगर बना दे पहले। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, एंगल ए इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग फाइंड करना है हमें ईच ऑफ द एंगल, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे प्रीवियस क्वेश्चन क्या किया हमने, क्वेश्चन ने कहा था
एडजेसेंट एंगल का सम होने, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस एंगल ए एंड एंगल बी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है ना, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स पेयर. So angle A is equals to 75 degree, angle B is equals to 180. So angle B is equals to 180 minus 75, it gives angle B is equals to 105 degree. We find angle B. Angle B is equals to 180 degree. अब क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे. किसकी प्रॉपर्टीज? पैरेललोग्राम की, है ना, क्योंकि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंड सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी is equals to 105 degree. Reason kya raha? Opposite angles of a parallelogram are equal. Okay? है ना, simple simple से question चल रहे हैं. अगर हमें parallelogram की properties याद है तो सब कुछ आसान है अपने लिए, है ना. पहले एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अटेंडेंस का लिंक देते हैं आपको. सिर्फ क्वेश्चन को समझने पे फोकस बनाओ बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस नोट नहीं करने हैं आपको, आपके पास पीडीएफ पहले से अवेलेबल है इस चीज की. तो व्हाई वी आर वेस्टिंग अवर टाइम टू नोट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का. In the given figure ABCD is a parallelogram. जैसे नाम parallelogram का दिखे, parallelogram की properties mind में set हो जानी चाहिए कि opposite pair, parallel and equal, angle A is equals to 75 degree दिया हमें given में. बी सी एंड डी, और यहां पर एक एंगल बनाया है जिस एंगल को कहा है एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और हमसे पूछा गया है फाइंड करना है फर्स्ट एंगल सी डी बी एंड सेकेंड थिंग इज एंगल ए डी बी. पहले तो ये देखेंगे ये एंगल्स है कहां पर. सी बी डी, सी बी, सॉरी सी डी बी, इट मीन हमें ये एंगल फाइंड करना है. इसको एक बार के लिए ले दूं मैं वन नंबर, ताकि याद रहेगा हमें कि हमें एंगल वन फाइंड करना है. सेकंड पूछा है ए डी बी. अब देखो ए डी बी यानी यहां का एंगल, यानी एंगल टू, यानी हमें क्या फाइंड करना है, एंगल वन एंड एंगल टू. यानी यहां सामने लिख देते हैं इज इक्वल्स टू एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, हमें इनको फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कुछ दिखा आपको, वन टू एंड थ्री. इन दिस फिगर ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी. व्हाई? अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम. ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, है ना, दिस इज अ ट्रांसवर्सल. देखो शेप क्या बन रही थी अपनी, जेड, इट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यानी ये 30 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के. यानी एंगल 2 की वैल्यू क्या मिली, 30 डिग्री. एज ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड BD is a
ट्रांसवर्सल. सो एंगल टू, एंगल टू इट मीन्स एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों बन गए आपस में इक्वल. मैंने यहां लिखा है 30 डिग्री, तो मैंने 30 डिग्री के अकॉर्डिंग आंसर निकाल दिया. आपको जो बुकलेट में दे रखा है उसमें दिया है 60 डिग्री, तो आपके अकॉर्डिंग आपके पास एंगल आएगा यहाँ 60 डिग्री. क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा फिगर उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया. अगर मैं यहां पर आपके लिए 60 बना दूं बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अपना आंसर यहां भी किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा. यानी ये एंगल 2 किसके इक्वल बन गया? 60 डिग्री का. देन सेकंड पूछा है हमें एंगल 1. एंगल 1 मिलता है हमें देखो इस फर्स्ट ट्रायंगल में, कहां मिल रहा है? इस फर्स्ट ट्रायंगल में. एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बाय रीजन क्या रहा है इसका? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री मिल गया हमें. अब देखो अपने पास ये एक ट्राइंगल बना हुआ है डी बी सी. डी बी सी इज अ ट्राइंगल. DBC is a triangle. तो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएं, तो लगा इन ट्राइंगल DBC एंगल D यानी 1 प्लस एंगल C प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल 1 फाइंड आउट हो चुका है क्या अपना? नो. देन एंगल 1 का 1 एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, देन 60 डिग्री इज इक्वल टू 180. सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 135. 75 और 65 टुगेदर मेक 135. ट्रांसपोजिशन पहले ही कर दिया मैंने इसका, ठीक है. देन एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री. एंगल 1 की वैल्यू क्या आई अपने पास में? 45 डिग्री. ठीक है, सिंबोलिक लैंग्वेज मैंने यूज कर दी एंगल 1 और एंगल 2 ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4:3. टू साइड्स देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. टू साइड्स का रेशियो इट मीन्स ये 4x है, देन ये होगी अपनी 3x. इसका रिश्ता तो रेशियो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो सेम पेयर होता है. क्लियर है इस बात को? इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 56 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स लेंथ ऑफ ईच साइड. पैरेललोग्राम जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल. पैरेललोग्राम वास्तव में क्या होता है? एक रेक्टेंगल ही तो होता है. सीधा था, थप्पड़ मार के घुमा दिया हमने, स्लैप दिया, बेचारा टेढ़ा हो गया. ठीक है ना? तभी तो अपोजिट साइड्स क्या थी? इक्वल थी, पैरेलल भी थी. रेक्टेंगल में भी तो वही होता था, बट डिफरेंस क्या था? वहां वहां 90 का एंगल बनता है रेक्टेंगल में, यहाँ रेक्टेंगल यहाँ 90 का नहीं बनता. ठीक है, तो सेम थिंग थी. यानी इसका पेरीमीटर भी वही होगा जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर था. देन पेरीमीटर ऑफ
पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना मिला हमें 56। टू लेंथ इज इक्वल्स टू 4x एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 7x। Therefore, 56 is equals to 2 multiplied by 11x. Sorry, 3x. ये अपना 7x. Then 56 is equals to 14x and x is equals to 56 divided by 14. 14 fours are 56. So length of AB is equals to CD is equals to 4 multiplied by 4, it gives 16 centimeter, and length of BC is equals to AD is equals to 3 multiplied by 4, 4 3 is 12 centimeter. सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी पेरीमीटर वाला क्वेश्चन दे दिया कुल मिला के हमें, है ना, बेवकूफ समझ रखा है हमें शायद। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, जब तक डायग्रामेटिक क्वेश्चन नहीं मिलता तब तक मजे वाली बात नहीं है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। साथ में ध्यान रखना चैट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है बेटा। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। तो दिस इज अ रेक्टेंगल। A, B, C, D. A, B, C, D is a rectangle. And each angle of a rectangle is 90 degrees. Then length. Length ko humne likha, A, B denote kiya. This is 8 centimeter. And each of its diagonal. डायगोनल चाहे एसी कहें चाहे बीडी कहें बोथ आर इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में क्या कहा था, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। वो डायगोनल्स किसके साइड का है, 10 सेंटीमीटर का दे रखा है हमें। फाइंड इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ फाइंड करो। तो ब्रेथ तो या तो बीसी हो सकती है या फिर एडी हो सकती है। बीसी इज इक्वल्स टू एडी, दोनों में से कुछ भी लिखो वो फाइंड आउट कर लिए। हमें गिवन था इसका डायगोनल, तो मान लिया ये थी अपनी 8 सेंटीमीटर। हमने ए को सी से ज्वाइन किया, आप लोग चाहो तो बी को डी से भी ज्वाइन कर सकते हो। ईच एंगल 90 डिग्री का, ए सी बी डी के इक्वल था वो 10 सेंटीमीटर। So this is a right triangle, है ना। डायगोनल ने रेक्टेंगल को क्या किया, टू इक्वल ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ट्राइंगल सेडेड पार्ट का किया हमने, और वो सेडेड पार्ट में 90 का एंगल भी था, बेस भी था, 90 के अपोजिट की साइड हाइपोटेनस होती है, तो यहां लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हियर एच स्क्वायर, एच मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस किसके इक्वल था, ए सी के इक्वल। देन ए सी स्क्वायर परपेंडिकुलर, दिस साइड परपेंडिकुलर, यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर।
AC, it is given 10, then 10 square. BC unknown है, find out करना है. AB is equals to 8 square, then 10 square is equals to 100. BC square में 8 का square 64. On transposition we get BC square is equals to 100 minus 64. It gives BC square equals to 36. So square root of 36, it gives 6 centimeter. So breadth of rectangle is equals to 6 centimeter. उसकी breadth कितनी मिल चुकी हमें? 6 centimeter. और ये बात हमने कर ली थी पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले पार्ट. इसको हमने क्लियर कर लिया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट में. मे बी पॉसिबल है कल तक ये चैप्टर अपना बाइंड अप हो जाएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर. In the given figure, तो पहले first of all figure draw करें. ABCD is a rhombus. All sides are equal, है ना? And diagonals bisect each other at perpendicular. Rhombus में यही होता था कि all sides are equal. एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर. यानी ये जो एंगल्स बनते थे यहाँ पर वो ईच एंगल 90 डिग्री का होता था. मैंने एक साइड 90 बना दिया, इट मींस नो डाउट समझ लो सब के सब 90 डिग्री के हैं. राइट नाउ ये बन गया ओ, सेंटर पॉइंट दे दिया मैंने इसका. ए बी सी डी इज अ रोम्बस. डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ इफ ए बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. AB is equals to 10 centimeter. यहाँ लिखा AB is equals to 10 centimeter. Then all sides are equal. Then BC, CD, and DA are also 10 centimeter. And diagonal BD. BD क्या था अपना diagonal? वो था अपना 16 centimeter का. फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल एसी. डायगोनल एसी की लेंथ फाइंड करनी है कि एसी कितने साइड का है. ठीक है, और हमने ये कहा था कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं और लेंथ में इक्वल होते हैं. ये नहीं कहा था हमने लेंथ में तो इक्वल कहां होते थे? या तो स्क्वायर में होते थे या फिर रेक्टेंगल में होते. यानी ये इक्वल तो नहीं है. हमने क्या कहा बेटा कि BD की बात कर ली. BD ये रहा BD. क्या कहा था? ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. इट मीन जितना OA होगा उतना ही OC होगा, जितना OD होगा उतना ही OB होगा. सो OB इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, है ना? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. Bisect each other. कर दिया bisect. ऐसा करते ये 16 का था, it means ये half multiply by 16 होगा, it means 8 centimeter का part बन गया. यानी यहाँ की length भी अपनी 8 centimeter है, यहाँ की length भी 8 centimeter. हमने एक बात की थी कि diagonals एक दूसरे के perpendicular होते हैं, तो no doubt देखो जब angle यहाँ का 90 बना है तो यहाँ का भी तो 90 ही बनेगा. मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, जैसे प्रीवियस रेक्टेंगल में बात की थी हमने, इस सेडेड पार्ट वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इन ट्रायंगल ए ओ बी ये 90, देन दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस,
रिमेनिंग क्या रहा, परपेंडिकुलर रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन की तरह, है ना, यूजिंग पाइथागोरस। क्या मिला मुझे कि ए बी स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, इट मींस बेस स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिमिलर क्वेश्चन है सेम है जैसा अभी किया था हमने, ठीक है, ए बी टेन स्क्वायर ओ बी एट स्क्वायर प्लस ओ ए, देन टेन का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस ओ ए स्क्वायर, देन ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 एंड ओ ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, इट मींस 6 सेंटीमीटर। हमने क्या कहा, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते थे, बाइसेक्ट करते थे। इट मींस फाइंड आउट क्या करना था, एसी, एसी क्या होगा, टू ऑफ ओए, टू ऑफ ओए यानी ओए का डबल, क्योंकि बाइसेक्टेड थे, इट मींस टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स 12 सेंटीमीटर, यानी सेकंड डायगोनल कितने का मिला अपने को, 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में। ओके बाय, टेक केयर बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी था अपना, चैप्टर नंबर वही है, थर्ड, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। एंड क्वेश्चन इज दिस, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देन दिस इज ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड गिवन दैट टू डायगोनल्स वन एंड सेकेंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एंड गिवन दैट ओ बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड अबाउट ए सी, ए सी इज 5 सेंटीमीटर मोर देन BD, then find, यानी ये पार्ट हो गया अपना गिवन का पार्ट, एंड दिस वन इज फाइंड OA। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं, देखो, इट इज गिवन दैट OB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन O एंड B, इट इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज गिवन दैट कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या था अपना, एक पैरेललोग्राम था। तो वी नो दैट इन पैरेललोग्राम डायगोनल आर बाइसेक्टेड बाय ईच अदर, इन डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है ना, वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other, then क्या मिलेगा हमें कि जितना OB part था उतना ही अपना OD part है, then OB is equals to OD is equals to 4 centimeter, therefore BD is equals to 2 multiply by OB is equals to 2 multiply by 4, it gives 8 centimeter। यानी हमने क्या find की, overall length निकाल दी हमने BD, overall length किसकी find की हमने, BD की।
क्वेश्चन ने क्या कहा था, OB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देन OD इज इक्वल टू OB, OD OB के क्या होगा, इक्वल होगा ही नहीं, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है और दिस पार्ट के इक्वल है, ठीक है। ये तो फर्स्ट लाइन का काम हुआ जब हमने ओवरऑल लेंथ BD की फाइंड कर दी। अब आप कहोगे सर BD फाइंड करने की रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि AC इज 5 सेंटीमीटर मोर, AC 5 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा है, मोर है, किससे है, देन BD से, यानी जब तक हम BD फाइंड नहीं करेंगे AC नहीं मिलेगा, है ना। चले देन AC इज इक्वल्स टू क्या कहा था कि AC इज 5 सेंटीमीटर मोर देन BD, इट मींस BD प्लस 5, देन BD इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 5 टुगेदर मेक 13 सेंटीमीटर। हमने क्या निकाला, AC फाइंड कर दिया 13 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट क्या पूछा गया, पूछा दो बाकी रह गया OA। हमने क्या लिखा था, We know that diagonals of a parallelogram bisect each other. एक दूसरे को क्या करते हैं, bisect करते हैं. It means OA is equals to OC. OA is equals to OC is equal to half of AC. किसका equal होगा? AC का half होगा. It means OA is equals to OC is equals to half of AC. AC मिला हमें 13 का, देन वो इक्वल हुआ 6.5 सेंटीमीटर, एंड 13 इज डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ओके। इस क्लास में अटेंडेंस का लिंक नहीं आएगा आज, ठीक है, आपकी मैथ्स की अटेंडेंस सुबह मॉर्निंग में लग चुकी है, बट क्लास अटेंड करनी जरूरी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट द एडजेसेंट फिगर HOPE, द फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द फिगर, HOPE, this is X, this is 70 degree, this is Y, this is Z, this is 40, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, नहीं करना आप खुद करोगे, हम करेंगे। टू एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम, HOPE इज अ पैरेललोग्राम, क्लियर है, ठीक है। फिर कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स XYZ, फाइंड कर देंगे। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो वो आपको वहां लगानी है, मेंशन करनी है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, ओके। चले मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वी नो दैट HOPE इज अ पैरेललोग्राम, HOPE क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इट मींस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बात पहले ही क्लियर हो जाती है ना। जब ये अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, इट मींस हमारे पास कुछ नई आबादियां बन रही है, देखो 1, 2 and this is 3, it means bana apna z, it means alternate interior angles, this one 40 and this is y, so y is equals to also 40 degree, then y is equals to 40 degree by reason kya raha apna ke alternate interior एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों आपस में क्या बने, इक्वल बने, यहां बना जेड का सिंबल, जेड सिंबल डिनोट करता था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को, ठीक है,
क्लियर है बात? ओके अब करें हाइड एंड सीक। चलो इसको मैंने हाइड किया तो मुझे क्या दिखा, पी एच ओ एक ट्रायंगल दिखा और ये 70 डिग्री जो था उस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दिखा, है ना, जो हमने क्लास 7th में पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो लिखा इन ट्रायंगल पी एच ओ, पी एच ओ ट्रायंगल में क्या देखा हमने कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री क्यों बना, कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर में बना हुआ एंगल इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। इट मींस ये 70 डिग्री जो है वो y प्लस जेड के क्या होगा, इक्वल होगा। y हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था 40 डिग्री, सो y 40 प्लस z इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमने टू वैल्यूज फाइंड कर दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल y एंड सेकंड इज z, y और z टू प्रॉपर्टीज हमने फाइंड आउट कर दी है, टू वैल्यूज हमने सॉर्ट आउट कर दी। क्लियर है? अब बचता है अपने पास और भी कुछ है क्या? देखो अभी तक x रिमेनिंग है, अभी तक अपना x रिमेनिंग है। अब x निकालने के लिए हमें कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, है ना, बनाए जुगाड़ पहले, क्योंकि हम वैसे ही जुगाड़ू है, मैथ्स वाले सब लोग क्या होते हैं, जुगाड़ू, आंसर कैसे न कैसे आंसर निकालना होता है निकाल देते हैं। हिंदी में, मैं इंग्लिश में, एसएससी में सोचना पड़ता है, सारा टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, आंसर कहाँ से लाएंगे, टॉपिक तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो हम आंसर कहाँ से लेकर आएंगे, है ना। तो चलो देखो नेक्स्ट हमने क्या देखा, फिर से हमने कहा था एच ओ पी इज अ पैरेललोग्राम, देन एच ओ ई पी के क्या था, पैरेलल, कि एच ओ इज पैरेलल टू ई पी था, जब ये था तो यहां पे भी तो जेड बन रहा है, देखो 1, 2 एंड 3, दिस मीन जेड इस एंगल के इक्वल हो सकता है, जेड इस एंगल के इक्वल हो सकता है। वन मेथड तो अपना ये है कि जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करें और इसको सॉल्व कर दें, इसका अल्टर ऑप्शन भी बताऊंगा साथ में मैं आपको, जो आपको इजी लगे उससे सॉल्व कर लेना। फर्स्ट मैंने लगाया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग, यहां मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं था इसलिए ए एंगल दिया, देन ए स्मॉल जो था वो जेड के इक्वल बनेगा और जेड अपना ऑलरेडी 30 डिग्री आ चुका है, रीजन रहेगा इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर करें हाइड एंड सीक। तो ये देखो हाइड किया तो ऊपर रहा एक्स, 40 और ए, दिस इज अ ट्राइंगल, तो लिखा इन ट्राइंगल EHP, EHP में क्या दिखा कि x प्लस 40 डिग्री और a मिल चुका है मुझे 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, देन x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इट गिव्स x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये तो था अपना नॉर्मल मेथड जो हमने सॉल्व किया है और इसके अकॉर्डिंग हमारे x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब सेकंड चलता है अपना अल्टर मेथड, यानी अल्टरेशन क्या हो सकता है इसका और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ये तो फर्स्ट x y और z फाइंड जो किए थे वो तो सेम रहेंगे, बट x की वैल्यू बदल देंगे हम। x की वैल्यू बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो दिस इज अ लाइन, ये क्या थी अपनी एक लाइन थी और लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो एक बार के लिए मैं इसको बी मानूं तो अल्टर मेथड के लिए चले नीचे सेकंड पार्ट में और यहां नीचे लिख देंगे अल्टर, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने क्या किया था। अल्टर में क्या लिखा कि बी प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स, देन एंगल बी इज इक्वल टू 110
बी क्या मिला 110, देयरफॉर एक्स भी कितना होगा बी के इक्वल, वो 110 होगा। रीजन क्या रहेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आपके पास ओवरऑल टू मेथड्स पड़े हैं, वाई और जेड निकालने का कोई दूसरा मेथड नहीं था, सेम वही मेथड काम करेंगे। हाँ, बट एक्स निकालने के लिए मैंने आपके दोनों कंडीशन थी, दोनों अप्लाई कर दी है। आपको जैसा सूटेबल लगे आप उसको नोट कर लेना। पीडीएफ में आपके पास मे भी कौन सा मेथड आया हुआ है मुझे नोटिस में नहीं है अभी तक, मैं देख लेता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी वाला दे रखा है मैंने, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी दे रखा है। आप चाहो तो ये अल्टर वाला मेथड उसी के साथ में नोट कर लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फाइंड द अननोन नंबर एक्स एंड वाई। आई थिंक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने इसका। टू फिगर्स ड्रॉ करते हैं अपनो। यहाँ फर्स्ट फिगर दिया हमने, क्वेश्चन वही है, फाइंड द अननोन यानी एक्स एंड वाई, दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 3y-1, बी सी इज इक्वल्स टू 18, सी डी इज इक्वल्स टू 26 एंड ए डी इज इक्वल्स टू 3x। And second one figure is, this is a parallelogram ABCD. Or there are two diagonals. ABCD. Intersecting point O, this is 16, then x plus y, second one is y plus 7, or here is 20. Then find the value of x and y. और ये आज की क्लास के लास्ट टू क्वेश्चन होंगे अपने, ठीक है। इनके पास अगर कोई डाउट होगा तो डाउट रिगार्डिंग बात करेंगे। यस, देखो दिस इज अ पैरेललोग्राम। As we know, ABCD is a parallelogram. जब ABCD parallelogram बन चुका है तो we know that opposite sides of a parallelogram are equal. है ना, parallelogram की opposite sides क्या होती है, equal होती है। Then AB is equals to CD. Region क्या रहेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसलिए इक्वल हो गई। ए बी किसको डिनोट करता है बेटा, कि 3y-1 को। सी डी किसको डिनोट करता है, 26 को। देन टेकिंग ट्रांसपोजिशन वी गेट 3y = 27 एंड y = 9, 3 + 27 यानी y मिल गया 9 सेंटीमीटर। सिमिलर कंडीशन लगेगी अपने पास, सेम एज या सिमिलरली एडी इज इक्वल्स टू बीसी। एडी किसके इक्वल है, बीसी के। देन एडी इज इक्वल्स टू 3x एंड बीसी इज इक्वल्स टू 18, देन x इज इक्वल्स टू 6, 3 = 18। रीजन क्या रहा था अपना, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इट मींस ये अपना सॉल्यूशन निकल गया। सेकंड थिंग, प्रॉपर्टी क्या थी पैरेललोग्राम की, कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, कि एक दूसरे को क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट मींस यहां लिखा डायगोनल ऑफ
पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या किया उन्होंने, बाइसेक्ट किया। इट मींस क्या हुआ बेटा कि ओडी इज इक्वल्स टू ओबी, ओडी इज इक्वल्स टू ओबी, ओडी ओबी के क्या हुआ, इक्वल हुआ। ओडी किसको रिप्रेजेंट करता है, 20 को। ओबी किसको रिप्रेजेंट करता है, y प्लस 7 को। ऑन ट्रांसपोजिशन वी गेट y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7, दैट मींस y इज इक्वल्स टू 30। y कितना मिला हमें, 13। y कितना मिला, 13। सिमिलरली देखो OA इज इक्वल्स टू OC, OA इज इक्वल्स टू OC, OA भी OC के क्या होगा, इक्वल होगा। इट मींस OA किसको डिनोट करता है, 16 को, और OC अपना x प्लस y है। y हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया था 13, है ना, y को हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 13। दैट मींस 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 13 एंड x इज इक्वल्स टू 16 माइनस 13, इट गिव्स 3, यानी x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 30। तो आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे रिवीजन पार्ट में, यानी एक्स्ट्रा क्लास के पार्ट में हम लोग, बाकी मिलेंगे लास्ट रिमेनिंग पार्ट के साथ मॉर्निंग की क्लास में, और उसी के साथ अपना चैप्टर बाइंड अप करेंगे और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।